मम्मी समझा दो बड़े भैया को, फालतू की बातें ना करे, मुझे गुस्सा आ गया तो अच्छा नहीं होगा। सीने में दर्द, दिल में चुभन सी है, यूट्यूब ने किया है मेरा रोस्ट, इसलिए पूरे टिकटॉक में हलचल सी है। बंद कर अपनी 2 रुपए वाली शायरी। देखो मम्मी, इसके साथ रहकर अच्छा खासा आदमी भी पागल हो जाए, हंसता खेलता लौंडा लौंडिया बनकर मुजरा करने लगे। अपने छोटे भाई की बेइज्जती करना बंद करो और बताओ मुझे ये रो क्यों रहा है। अरे मम्मी कुछ नहीं, इसका तो डेली का यही नौटंकी है, थोड़ा सा मैंने रोस्ट क्या कर दिया, गला फाड़ फाड़ कर रोने लगा। थोड़ा सा रोस्ट? मम्मी पूरा यूट्यूब मेरे ही रोस्ट से भरा पड़ा है, एक ऐसा रोस्टर नहीं है जिसने मेरे पे वीडियो ना बनाई हो। क्यों रे, क्यों परेशान करता है अपने छोटे भाई को, क्यों इसके पीछे हाथ धोकर पड़ गया है? मम्मी पूछो इससे, हमारे एक बंदे ने बस मजाक किया था और इसने मारने काटने की धमकी दे डाली। एक्चुअली यार सारे टिकटॉकर्स को यूट्यूब पे आ जाना चाहिए और इनसे अच्छा अच्छा कंटेंट पोस्ट करके ना इनको बताना चाहिए, इनका उधर से भी खत्म कर देना चाहिए, ऐसे लोग को ऐसे मारना चाहिए। तो हम चुप कैसे रहते, क्या अपने बड़े भैया को धमकी देता है? यही संस्कार दिया है मैंने तुझे? मम्मी वो शट अप, तू मम्मी मत बोल मुझे, मेरा बेटा होकर सबको बोलता रहता है आई एम योर बॉय। What's up everybody? That's your boy Amisri. कभी देखा है YouTube को कितना होनहार बच्चा है, कितना बढ़िया बढ़िया कंटेंट लाता है, और तू क्या लाता है? अपने माँ बाप के पैसों से खरीदे हुए कपड़े पहन पहन कर ऐसे एटीट्यूड मारता है जैसे पूरे कपड़े की फैक्ट्री तेरे बाप की हो। ऊपर से 10 किलो का आटा लगाकर पूरा थोबरा ही बदल डालता है। यहाँ मैं खुद के बेटे को नहीं पहचान पाती कि अपना है या पड़ोसी का। अब हमारी ऑडियंस को यही पसंद है तो यही देंगे ना, कम से कम हमारी वीडियो जल्दी तो आती है, इनके जैसे महीने में एक बार थोड़ी। हम लोग महीने के 3 कंटेंट नहीं बनाते, हम लोग दिन के 3 या 4 या 10 कंटेंट बना के पोस्ट करते हैं। हाँ, कैसी वीडियो आती है वो भी बता दो। लियोनी मैं कहना चाहता हूँ, एक वीडियो में मैंने कहा कि मैं धनिया काट रहा हूँ, भैया कह रहे हैं क्या हम नाचें? हाँ भाई तू नाच, पर ये वाला स्टेप जरूर कर। इसीलिए हमारी वीडियो को उठाकर तुम अपने में यूज करते हो, व्यूज के लिए हमारे रियल कंटेंट को यूज करते हो। ओए होए रियल कंटेंट। कैसे हैं आप लोग, तो आइए शुरू करते हैं। तो क्या हुआ, छोटा भाई बड़े भाई को थोड़ा कॉपी कर सकता है, ये अलाउड है ओके, पर तुम हमारे ओरिजिनल कंटेंट को यूज नहीं कर सकते, कॉपीराइट क्लेम कर दूंगा तो कहीं के नहीं बचोगे। सीसी तो आप लोग समझ ही करेंगे मेरे भाई लोग, क्रेडिट कार्ड और कंटेंट कॉपीराइट से बच के रहना चाहिए। मम्मी अब तुम मुझे रोकने की कोशिश भी मत करना। हाँ तो क्या कह रहा था, कॉपीराइट क्लेम? कॉपीराइट क्लेम किसको कहते ना, ये तुझे पता भी नहीं है, दूध पीता बच्चा है तू अभी। टी सीरीज का नाम सुना है कभी? तुम लोग जिस चीज की जमीन पर अपना आशियाना बनाए बैठे हो ना, उसको हम पलटकर देखते तक नहीं है। सोच अगर तेरे पैरों तले वो जमीन खिसक गई तो कहाँ जाएगा तू? देखो तुम्हारे बड़े भैया की बात में दम तो है, भले ही तुम्हारा भाई महीने में एक बार राशन लाता हो, लेकिन उस एक बार के राशन से ऐसे ऐसे पकवान निकल के आते हैं, सब अपनी उंगलियां चाटते रह जाए। पर तू जो राशन लाता है उससे ढंग की खिचड़ी भी नहीं बनती। मगर आखिर है तो दोनों मेरे ही घर के राशन, खिचड़ी भी भूख मिटाती है और पकवान भी, तो क्यों लड़ते हो दोनों भाई? अरे मेहनत करो, आगे बढ़ो, अपने बड़े भाई से कुछ सीखो, कितनी मेहनत करता है, स्क्रिप्टिंग एडिटिंग रिकॉर्डिंग सब कुछ करता है, तुम भी करो, तुम्हारा भी कंटेंट अच्छा होगा। और तुम छोटा भाई है तुम्हारा, माफ करना सीखो, ऐसे नहीं करते, छोटी सी बात पर सब हाथ धोकर पीछे पड़ गए और इंटरनेट को महाभारत का मैदान बना दिया।